करूंगा, तू जिन 7 पीढ़ी याद रखेगी तेरी। भाई साहब धमका तो दिया मुझे, तुझे ऐसा कर दूंगा मैं, तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक का ये कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि मंत्री जी युवक को धमकी दे रहे हैं। इसमें वो कथित तौर पर तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, 7 पीढ़ी याद रखेगी जैसे शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मामले में दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कराया गया है। पूरा मामला जानने से पहले आपको ये ऑडियो सुनाते हैं। रखेगी तेरी भाई साहब धमका तो दिया मुझे, तुझे ऐसा कर दूंगा मैं, तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा मेरी, तू और बुराई में। हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंत्री खटीक की ओर से सफाई दी गई है। आरोप लगाने वाला युवक खुद विवादित है, खुद जमीन पर कब्जा करना चाहता है। मैं पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा हूँ, इसलिए दबाव बनाने के लिए उसने ऑडियो को आधा अधूरा वायरल किया। मैं आरोप लगाने वाले युवक के खिलाफ तहरीर देने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद जमीन से जुड़ा है। प्रदीप नाम के युवक का मवाना में रहने वाले भांजे दिव्यांशु से मकान का विवाद है। इसी को लेकर गाँव के लोगों ने पंचायत बुलाई थी, उसमें दिव्यांशु की पैरवी करने के लिए राज्य मंत्री दिनेश खटीक भी पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंचायत में मामा प्रदीप नहीं आए तो राज्य मंत्री ने उनको फोन किया, जिस पर उनका आरोप है कि मामा ने उनसे बदसलूकी की। हालांकि प्रदीप का कहना है कि उनकी कोई पंचायत नहीं बुलाई गई थी, उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की। वहीं मामले में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने ऑडियो को सोशल मीडिया पर जारी कर राज्य मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। मामले पर मेरठ SSP रोहित सिंह सजवाण का कहना है, दो लोगों के बीच में पुरानी जमीन मकान का विवाद है, एक पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऑडियो में स्थानीय विधायक और पत्रकार के बीच हो रही बातचीत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, पूरी रिकॉर्डिंग वादी से मंगाई गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।